नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार आप सभी का स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त, साथ में होस्ट आर विश्वकर्मा। आज हम ऑटोमोबाइल की जो इंजन है उसकी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे, साथ में क्या है उन कंपोनेंट्स की यूज के बारे में भी जानकारी लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से और एक बार आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं ऑटोमोबाइल की इंजन की कंपोनेंट्स की नाम वगैरह। तो पहले हम क्या है नाम जानते हैं, उसके बाद में क्या है उनका काम जानेंगे, अर्थात उनका यूज। तो क्या कहा हमने ऑटोमोबाइल इंजन की कंपोनेंट। तो ऑटोमोबाइल की जो इंजन है तो यहां पे हम लोगों को क्या है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों ही दिखती है। तो क्या है हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में यूज होने वाली कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। यहां पे हम सिर्फ पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन के बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों में ही क्या क्या कंपोनेंट यूज होती है उसके बारे में हम जानेंगे। पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, दोनों में ही क्या है जो कंपोनेंट यूज होगी उनमें क्या है बहुत कुछ समानता रहती है। तो देख लीजिए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में यूज होने वाली कंपोनेंट्स की समानताएं क्या क्या है देख लीजिए। अगर आप वीडियो को पॉज करके भी देखना चाहें तो देख लीजिए कि पेट्रोल इंजन में क्या यूज हो रही है, साथ में डीजल इंजन में क्या यूज हो रही है, क्या इनमें समानताएं हैं। क्या जाना पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में यूज होने वाली कंपोनेंट्स के बारे में। तो आप क्या है हम इनका काम जानते हैं, साथ में क्या है ये कहां पे रहती है, ये किस तरह से काम करती है, ये हर एक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा के किस तरह से काम करती है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि पिस्टन और सिलेंडर को हमने पहला स्थान दिया है। तो क्यों दी है, क्योंकि यही इंजन की जान है, अर्थात हार्ट कहें या फिर कहें तो हृदय। तो इंजन का जो दिल हार्ट हृदय क्या है सिलेंडर और पिस्टन। तो सबसे पहले क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो हमने पहला स्थान किसे दिया पिस्टन को, साथ में सिलेंडर भी। तो जानते हैं पिस्टन का क्या काम है। तो पिस्टन का काम हुआ पेट्रोल या फिर कहें तो डीजल का जो रासायनिक ऊर्जा है उसको क्या है यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, अर्थात रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो कैसे, अर्थात एयर फ्यूल मिक्सर जब जलेगी तो वो क्या है एक्सपांड होगी। एक्सपांड होने से क्या है वो पिस्टन को नीचे धक्का देगी, अर्थात डाउनवर्ड थ्रस्ट, अर्थात डाउनवर्ड थ्रस्ट। तो इससे क्या है पिस्टन नीचे आएगी। तो सर्वप्रथम यांत्रिक ऊर्जा की जो शुरुआत होती है, अर्थात गंगा का जो शुरुआत गोमुख, उसी तरह से क्या है यांत्रिक ऊर्जा का शुरुआत इंजन में कहा पिस्टन। जानते हैं सिलेंडर का काम क्या है। तो हमें पता है सिलेंडर के अंदर पिस्टन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, अर्थात टीडीसी से बीडीसी फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करती है। तो पिस्टन जो नीचे की ओर जो डाउन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सर जल रही है, जलने के बाद गैस बन रही है अर्थात बर्नड गैस। वो गैस क्या है पिस्टन को डाउनवर्ड थ्रस्ट दे रही है, इसीलिए पिस्टन नीचे की ओर डाउन हो रही है। तो यहां पे सिलेंडर का काम क्या है। तो सिलेंडर का काम हुआ जो एयर फ्यूल मिक्सर है या फिर जो बर्नड गैस है उस गैस को क्या है बिखरने नहीं देना, अर्थात एकत्रित करके रखना। इसी तरह से सिलेंडर और क्या कर रही है पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी की ओर जो मूव कर रही है, मूव करने के लिए पिस्टन को एक सरल रेखा में ऊपर नीचे होना है। तो सरल रेखा में ऊपर नीचे होने के लिए क्या है पिस्टन को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी पिस्टन क्या एक सरल रेखा में ऊपर नीचे हो पाएगी। तो हमने इससे पहले बातों बातों में कही थी गंगा का शुरुआत गोमुख है। तो नदी तो निकल चुकी, तो नदी बहने के लिए क्या चाहिए
उसके दो किनारा चाहिए। तो उसी तरह से क्या है, पिस्टन के चारों ओर अर्थात पिस्टन के चारों किनारे में क्या है, सिलेंडर का वाल है। तो ये जो सिलेंडर का वाल है ये क्या है, पिस्टन को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेखा में एक सीध में ऊपर नीचे होने में मदद करेगी। तो ये रही सिलेंडर की काम। अब जानते हैं कनेक्टिंग रॉड के बारे में। तो कनेक्टिंग रॉड का जो नाम है, इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा एक रॉड है जो दो चीज को कनेक्ट कर रही है। तो क्या को कनेक्ट करेगी, अर्थात वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करेगी। अर्थात पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने वाला जो रॉड है उसे हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड का दूसरा काम क्या है, तो जानते हैं इसका दूसरा काम। तो पिस्टन में जो मैकेनिकल एनर्जी है वह क्या है, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से ही क्रैंकशाफ्ट तक डिलीवर होगी। अर्थात पिस्टन की जो लीनियर मोशन का है या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन का है या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है वह क्या है, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से ही क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचेगी, डिलीवर होगी। तो यह रही कनेक्टिंग रॉड की दूसरी काम। अब बारी है क्रैंकशाफ्ट की। तो इसी तरह से क्या है, क्रैंकशाफ्ट की जो नाम है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अर्थात नाम से इसका काम भी हम पता कर सकते हैं। क्रैंक अर्थात घूमना, शाफ्ट छड़, लोहा का छड़, अर्थात घूमने वाला जो लोहा का छड़ है उसे ही क्रैंकशाफ्ट कहेंगे। तो अब इसके मुख्य काम जानते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट का काम हुआ पिस्टन का जो लीनियर मोशन कहे या फिर कहे जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहे, उस मोशन को क्या है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, अर्थात क्रैंकिंग मोशन में कन्वर्ट करना। फिर से एक बार जान लीजिए, क्रैंकशाफ्ट का काम हुआ पिस्टन का लीनियर मोशन या फिर क्या है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, उस मोशन को क्या है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। इसी तरह से क्रैंकशाफ्ट के बाद मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से फ्लाई व्हील का स्थान होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कहां पे रहती है। तो फ्लाई व्हील का जो पोजीशन है ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट फ्लैंज में होती है, अर्थात इंजन का रेयर एंड में, अर्थात क्रैंकशाफ्ट का पिछले हिस्सा में फ्लाई व्हील बोल्टेड रहती है, फ्लाई व्हील माउंटेड रहती है। तो जानते हैं फ्लाई व्हील का काम क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स में जो न्यूटन का लॉ है उसमें क्या कही गई थी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अर्थात जो चीज चल रही है या फिर जो चीज घूम रही है वो हमेशा चलते ही रहेगी, घूमते ही रहेगी, जब तक क्या है बाहर से फोर्स देके उसकी मोशन को रोक दिया ना जाए। अर्थात चलने वाली चीज चलते रहेगी या फिर स्थिर चीज हमेशा स्थिर रहेगी। तो इसी तरह से क्या है, फ्लाई व्हील का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी को स्टोर कैसे कर रही है, पावर स्ट्रोक के समय में, अर्थात पावर स्ट्रोक के समय पिस्टन ऊपर से नीचे आ रही है, इससे क्या है क्रैंकशाफ्ट भी हाफ राउंड, ऑलमोस्ट हाफ राउंड घूम रही है। तो क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील जुड़ी है तो फ्लाईव्हील भी हाफ राउंड घूम रही है। तो फ्लाईव्हील जब हाफ राउंड घूम जाएगी तो क्या है, वह एनर्जी को स्टोर कर लेगी और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से घूमने वाली चीज जैसे कि घूमते रहती है उसी तरह से फ्लाईव्हील भी घूमते ही रहेगी और क्या है पिस्टन को आइडल स्ट्रोक्स में ऊपर नीचे होने में मदद करेगी। तो सीधी सी बात है, फ्लाईव्हील का काम है पावर स्ट्रोक के समय में एनर्जी को स्टोर करना और क्या है आइडल स्ट्रोक्स में सेम एनर्जी को क्या है डिलीवर कर देना। तो आइडल स्ट्रोक्स क्या है, सक्शन कंप्रेशन एग्जस्ट। तो ये रही फ्लाईव्हील का काम। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। अब जानते हैं क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट टाइमिंग गियर्स के बारे में। तो ये क्या है, इनका लोकेशन कहां पे है। तो सबसे पहले जानते हैं इनका लोकेशन। तो क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग गियर क्रैंकशाफ्ट के ही फ्रंट साइड में रहेगी, उसी तरह से क्या है कैमशाफ्ट टाइमिंग गियर कैमशाफ्ट के ही फ्रंट एंड में रहेगी।
अब जानते हैं इनका काम। तो ऑटोमोबाइल में कुछ कुछ चीजों की काम उनके नाम से ही पता चलती है। तो टाइमिंग गियर, टाइमिंग, तो ये टाइमिंग क्या है, अर्थात कैमशाफ्ट को टाइमली घुमाना ही हुआ कैमशाफ्ट टाइमिंग गियर का काम। और एक बार सुन लीजिए, कैमशाफ्ट को CAM कैमशाफ्ट को टाइमली रोटेट करना और वाल्व को टाइमली खोलना, कौन सा वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जस्ट वाल्व को टाइमली खोलना ही टाइमिंग गियर्स का काम है। इसी तरह से टाइमिंग गियर्स के बाद हम कैमशाफ्ट का काम जानते हैं। तो कैमशाफ्ट का काम क्या है, तो कैमशाफ्ट का काम हुआ क्रैंकशाफ्ट का काम का ठीक उल्टा काम करना। अर्थात क्रैंकशाफ्ट क्या कर रही थी, पिस्टोन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन अर्थात लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही थी। तो हमने क्या कहा, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट का उल्टा काम करेगी। तो ये क्या करेगी, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगी। और लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, वाल्व को ओपन करेगी। और एक बार सुन लीजिए, कैमशाफ्ट का काम हुआ क्रैंकशाफ्ट का काम का ठीक उल्टा, अर्थात रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करके इनलेट और एग्जस्ट वाल्व को ओपन करा देना। इसी तरह से अब इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, एग्जस्ट वाल्व के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ये कहां पे रहती है, ये क्या है, सिलेंडर हेड में इनका लोकेशन है। ये जो मैंने चारों चीज कही, इनका लोकेशन क्या है, सिलेंडर का हेड। तो काम क्या करती है, तो इनलेट मैनिफोल्ड जो मैंने कहा, अंदर में आने देने वाला जो पाइप, सीधा भाषा में अगर हम कहें तो मैनिफोल्ड अर्थात एक पाइप है। तो ये पाइप से लेकिन क्या आएगी, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगी, कहां अंदर, कंबसन चैम्बर में। उसी तरह से क्या, एग्जस्ट मैनिफोल्ड अर्थात बाहर जाने वाली पाइप, अर्थात एग्जस्ट गैस को बाहर ले जाने वाली पाइप को ही हम क्या कहेंगे, एग्जस्ट मैनिफोल्ड। उसी तरह से क्या, इनलेट वाल्व अर्थात एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबसन चैम्बर में आने देने वाली अर्थात अलाउ करने वाली जो वाल्व, उसे हम क्या कहेंगे, इनलेट वाल्व। उसी तरह से क्या, बर्न्ड गैस अर्थात एग्जस्ट गैस को बाहर निकलने वाली जो वाल्व है, उसे हम क्या कहेंगे, एग्जस्ट वाल्व। इन सब के बाद अब सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और सम्प अर्थात क्रैंक केस की बारी है। तो अब जानते हैं इनका लोकेशन क्या है। तो सिलेंडर हेड अर्थात हेड, तो हेड क्या हमेशा ऊपर में ही रहेगी। तो क्या है, इंजन का सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन है, जो पोर्शन है या फिर जो लेयर कहें, वो क्या है, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड से नीचे क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक से भी नीचे क्या है, सम्प अर्थात क्रैंक केस। तो तीनों का काम जानते हैं। तो सिलेंडर हेड का काम क्या है, इनलेट वाल्व, एग्जस्ट वाल्व, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जस्ट मैनिफोल्ड, वाटर जैकेट, ऑयल गैलरीज, रॉकर आर्म, कैमशाफ्ट, वाल्व स्प्रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना भी कंपोनेंट्स है इनको क्या है, माउंट करके रखना, होल्ड करके रखना। इसी तरह से क्या है, ब्लॉक अर्थात सिलेंडर ब्लॉक का काम हुआ पिस्टोन को, सिलेंडर को, क्रैंकशाफ्ट को, टाइमिंग गियर्स को, फ्लाई व्हील को, वाटर पंप को, स्ट्रेनर को, ऑयल गैलरी को, साथ में वाटर जैकेट को सपोर्ट करके रखना, इन्हें एक जगह में असेंबल करके रखना, एक जगह में माउंट करके रखना। इसी तरह से क्या है, सम्प का काम क्या हुआ, वो तो एक कंटेनर है जो सबसे निचला हिस्सा में रहती है, वो एक कंटेनर है। तो क्या का कंटेनर, क्या का पात्र है वो, इंजन ऑयल का, अर्थात इंजन ऑयल क्या है, सम्प में ही अर्थात क्रैंक केस में ही आके स्टोर्ड रहती है। दोस्तों इसी तरह से बने रहिएगा क्लास में। अब जानते हैं रेडिएटर, रेडिएटर कूलिंग फैन, वाटर पंप और ऑयल पंप के बारे में, साथ में उनके लोकेशन। तो
सबसे पहले शुरू करते हैं रेडिएटर से। रेडिएटर का काम है हॉट कूलेंट को कूल करना, अर्थात ठंडा करना। तो रेडिएटर का लोकेशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ द इंजन, अर्थात इंजन के सबसे सामने वाले हिस्से में ही रेडिएटर रहेगी और करेगी क्या, जो गर्म जो कूलेंट है उसे ठंडा करेगी, इसीलिए ही उसका वहां पे स्थान है। तो इसी तरह से क्या है, रेडिएटर कूलिंग फैन का काम हुआ रेडिएटर को ठंडा करना। कैसे? कूलिंग फैन अर्थात फैन जब घूमेगी तो क्या है, वो हवा को खींचेगी, हवा को खींच के क्या है, हवा को रेडिएटर के फिन्स और कोर से गुजारेगी। तो इससे क्या है, रेडिएटर का जो हॉट वाटर है, हॉट कूलेंट है, वो ठंडा हो जाएगी। इसी तरह से क्या है, वाटर पंप का काम हुआ रेडिएटर से कूलेंट को खींच के वाटर जैकेट अर्थात इंजन का वाटर जैकेट में सप्लाई करना और इंजन का वाटर जैकेट से फिर से वाटर को खींच के रेडिएटर का अपर टैंक में सप्लाई कर देना, अपर हॉस पाइप के माध्यम से। इसी तरह से क्या है, ऑयल पंप का काम हुआ सम्प में जो इंजन ऑयल है उसे खींच के ऑयल गैलरी में सप्लाई करा देना, जिससे क्या है, लुब्रिकेशन सुचारू रूप से होगी। तो इंजन ऑयल पंप जो है इसका लोकेशन क्या है, ब्लॉक का थोड़ा लोअर पोजीशन में रहेगी, अर्थात सिलेंडर ब्लॉक का निचले हिस्से में इंजन ऑयल पंप का लोकेशन होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और साथ में लाइफ को एंजॉय करें। धन्यवाद।